हेडिंग लिखो मॉड्यूलस इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, इसको बोला जाता है मॉड, ये पढ़ते हैं मॉड एक्स। कैसे पढ़ते हैं मॉड? अच्छा, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, एब्सोल्यूट वैल्यू वैल्यू ऑफ एक्स ऐसा है। यदि हम कहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस थ्री की बात करें तो कितना आ जाएगा? ये थ्री आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यदि हम फाइव की बात करें तो ये कितना आ जाएगा? फाइव। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 2.3 की बात करें तो ये कितना आएगा? 2.3, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेवन की बात करें तो ये कितना आ जाएगा? सेवन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि हम आपसे कहें कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स तो क्या बोलोगे कि कितना आएगा ये? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स तो सर प्लस और माइनस एक्स, प्लस माइनस एक्स लिखेंगे क्या ऐसे? हाँ। ये लिखा ना तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? यदि ऐसा किया ना तो आप कहोगे कि ये सेवन की वैल्यू प्लस माइनस सेवन होनी चाहिए थी। हाँ, तो सिर्फ पॉजिटिव एक्स होनी चाहिए। गलत हो जाता ना, है ना? ठीक है, तो फिर थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि कब ये जो मॉड है मैं प्लस साइन लग के हट रहा है, और कब ये देखो ये जो माइनस है इस 2.3 को ऐसे लिख सकते हैं माइनस और माइनस टू पॉइंट जा सकता है। जैसे ये थ्री है इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस थ्री। तो आप क्या देख रहे हो कि इसके आगे ये माइनस लग रहा है, कब लग रहा है ये माइनस? जब ये नंबर नेगेटिव हो, सही है। हम कहेंगे मॉड एक्स की वैल्यू में माइनस एक्स लग जाएगा इफ एक्स कैसा है, इफ एक्स इज नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव का मतलब कि x इज लेस देन जीरो, और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस x हो जाएगी इफ x ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, ये जीरो का मॉड देखें तो ये तो जीरो ही रहेगा, अब इसमें प्लस माइनस कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है। हम इक्वालिटी यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से। तो मॉड एक्स की अब जो डेफिनेशन होती है, मॉड एक्स की जो डेफिनेशन होती है वो ये बन जाती है कि इसकी वैल्यू आएगी एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये आएगा माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। क्लियर हुआ ये सिचुएशन? क्लियर हुई क्या? तो सर अगर अगर फाइनल आंसर की बात करें, किसी कोई भी नंबर को अगर मॉड के अंदर डाला है तो फिर इवेंचुअली वो पॉजिटिव ही होगा ना? मतलब ये चीज तो तय है कि मॉड हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये एक आप नोट कर सकते हैं, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू हो हमेशा जीरो या उससे बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे मॉड मतलब किसी का भी मॉड, जैसे मॉड ऑफ 2x² माइनस 7x⁵, तो आप हमेशा ये बोल सकते हो कि ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा, चाहे आप x की कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब बेसिकली इसका और थोड़ा डिफरेंट मीनिंग बताते हैं कि मॉड जेड समझते हैं। ये मॉड जेड क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मॉड जेड इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है, मतलब स्टार्टिंग जब भी मॉड की बात की जाए तो ये मॉड
मॉड का स्टार्ट डिस्टेंस से ही हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है ये। आपने सुना हो कि मॉड लेट लेट जेड इज इक्वल टू 2 + 3 i है, तो मॉड जेड बताइए कितना आता है। तो आपने क्या बोला कि अंडर रूट 5 + 3 2 अंडर रूट कितना आ जाएगा 13। तो यही से स्टार्ट होता है ये मॉड जेड, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा तुम्हें इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, तब तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लेट से ये रियल एक्सेस है, रियल एक्सेस है, और ये इमेजिनरी एक्सेस है, और जेड कोई ये नंबर है। जेड मतलब ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई, ये डिस्टेंस वाई है। तो मॉड जेड क्या होता है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो दिस इज मॉड जेड, सही है। तो ओपी लेंथ आएगा, लेट्स से ये ओपी है, तो ओपी लेंथ इज मॉड जेड। सो यदि हम कहें कि मॉड जेड इज इक्वल टू 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि ऐसे 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 जेड जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है 2। तो लेट से यदि ये लेंथ 2 हो जाती कि ये 2 पॉइंट है, तो ऐसे कितने जेड होंगे कि जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है, बताओ। बहुत सारे होते ना, इनफाइनाइट होते हैं जैसे, और आप देख सकते हैं कि ये क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। लेट से ये मैं 2 एज्यूम कर लिया, तो फिर इसका ये हो जाता है मॉड जेड इज इक्वल टू 2, तो जेड का लोकस, जेड का लोकस ये एक सर्कल बन जाता है। लोकस समझते हो ना, मतलब इन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन है, जो है वही लोकस है इसका। सो मॉड जेड इज इक्वल टू 2 का लोकस ये आ गया। तो ये तो था किसमें, पूरा 2 डायमेंशनल शेप है, और रियल एक्सेस या इमेजिनरी एक्सेस पे बात करें। लेकिन यदि हम मॉड एक्स की बात करते हैं, मॉड एक्स की बात करते हैं, तो ये सिर्फ इसमें जो एक्स होता है, एक्स एक्स इज अ रियल नंबर नंबर, तो एक्स क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक रियल नंबर होता है। तो अब हम यदि कहें कि, अब ध्यान से सुनो कि इफ मॉड एक्स इज इक्वल टू, अब 2 हो गया ऐसे, तो अब रियल नंबर है, तो रियल नंबर लाइन तो यही है ना, तो मॉड एक्स इक्वल टू 2 है, तो कितने पॉइंट है, मतलब ऐसे एक्स बताओ जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है। तो अब तो ये सिर्फ 2 ही पॉइंट हुए ना, एक ये पॉइंट हुआ और एक ये, इसके अलावा कोई और पॉइंट होगा क्या, नहीं होगा ना। तो इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ऐसे आ जाता है। क्लियर हुआ। हाँ, यदि हम मॉड फंक्शन की बात करें, तो मॉड f क्या हो जाएगा, इसकी डोमेन होती है ऑल रियल, और रेंज ऑल रियल लिख सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है, सिर्फ इसकी बात करें तो ये रेंज की बात करें तो 0 to ∞ लगा देते हैं, क्योंकि इसकी नेगेटिव रेंज नहीं आती है, और एफ एक्स इक्वल टू हमने लिखा मॉड एक्स की बात, इस तरह से लिखती है, चलेगा। ठीक है, तो चलो इसका प्लॉटिंग कर देते हैं, प्लॉट बना देते हैं या ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो कैसा बनेगा ये देख लेते हैं। प्लॉट कर लेते हैं, है ना। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, ठीक है,
ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया एंड दिस इज लाइक ये जीरो हो गया, दिस इज 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 1, 2, 3 और इधर -1, -2 ठीक है। अदो यदि यहाँ पे एक टेबल बना दे x और ये y की टेबल, तो यदि x जीरो है तो y कितना आ जाएगा, x की वैल्यू जीरो पुट कर दे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो ना, जीरो हाँ। अच्छा x की वैल्यू यदि मैं प्लस माइनस वन पुट कर दूं तो वन आएगी, वन ही आएगा ना, ये वन आएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस टू पुट कर दूं तो टू आ जाएगा, प्लस माइनस थ्री यदि हो तो ये थ्री आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जीरो पे वैल्यू जीरो ही आएगी, वन हो या माइनस वन हो पे वैल्यू प्लस वाली है, मतलब यहाँ पे ये ऐसी आएगी। टू पे वैल्यू टू आ रही है और माइनस टू पे वैल्यू भी टू आ रही है, थ्री पे वैल्यू थ्री आ रही है और माइनस थ्री पे वैल्यू भी थ्री आ रही है। तो यदि आप ध्यान से देखो ऑब्जर्व करो तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है, ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसको बोलते हैं ये जो ग्राफ हो गया दैट इज y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है, मॉड x समझा। हाँ सर ठीक है। और देखो यहाँ पे थोड़ा और इसमें यदि इसमें शिफ्टिंग की बात करें, यदि मैं चाहता हूँ कि जितने भी मॉड एक्स है इसमें वन यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें, यहाँ पे पूरा एक यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दें, तो शिफ्टिंग में क्या हो जाता है कि ये इसका नाम हो जाता है, इसको भी आप सीख लीजिए, वाई इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। और आप चाहें कि इसको टू यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करना है तो फिर यदि टू यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ऐसे चला जाएगा ये, है ना, इस तरह से चला जाएगा ये टू यूनिट डाउनवर्ड। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ, कुछ मॉड एक्स माइनस टू, एग्जैक्टली मॉड एक्स माइनस टू ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं करना है, अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं करना है इसको, ना राइट वर्ड शिफ्ट करना है बाय वन यूनिट, वन यूनिट या लेट से थ्री यूनिट करना है, यहाँ पे शिफ्ट करना है, मतलब ये वाली जो पीक है ना वो इधर शिफ्ट करनी है। तो ऐसे हो जाएगी मतलब, और ये चीज ऐसे इधर से ऐसे आ जाएगी, ऐसे जाएगा और ये ऐसे हो जाएगी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, इसका नाम हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस माइनस थ्री, मतलब राइट वर्ड शिफ्ट, मतलब x को यदि रिप्लेस करो x माइनस थ्री से तो ये थ्री यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट होता है। थ्री यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट होता है ना। यदि मैं x को ना रिप्लेस करता x प्लस वन से, मतलब मॉड x में तो क्या होता है, ये लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग हो जाती। क्लियर हुआ ये ग्राफ, समझ आ रहा है। यदि y इक्वल टू मॉड x है इसमें प्लस कुछ ऐड किया तो अपवर्ड शिफ्ट होता है और माइनस कुछ किया इधर तो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है। x को रिप्लेस कर दिया x माइनस थ्री से तो ये थ्री यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट होता है। x को यदि x माइनस वन से शिफ्ट किया तो वन यूनिट राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो इस तरह से थोड़े इसके प्लॉटिंग कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हुआ ये ग्राफ? हाँ सर। अच्छा क्वेश्चन ये था कि मॉड x का वैल्यू, मॉड x क्या रिप्रेजेंट करता था, डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ x, x from origin, origin, है ना। यदि मैं कहूँ mod x is equal to 3,
तो ऐसे एक्स बताओ जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 हो, तो आप क्या कहोगे? ऐसे एक्स बताओ जिनका ओरिजिन से डिस्टेंस 3 हो, तो क्या बोलोगे बताओ? कितना आएगा? कौन कौन से है? सर अगर तो x इक्वल टू 3 आएगा, हाँ x इक्वल -3 आएगा। हाँ तो -3 पे भी 3 डिस्टेंस होती है, और 3 पे भी, जैसे आप नंबर लाइन बना दें इस तरह से, रियल नंबर लाइन बना दें, ये नंबर लाइन है और ये ओरिजिन है, तो ऐसा एक्स ढूंढना है जो 3 यूनिट डिस्टेंस पे हो। तो आप कहोगे इसके 3 यूनिट डिस्टेंस पे एक इधर पॉइंट मिलेगा और एक इधर पॉइंट मिलेगा। लेट्स से ये 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 3। 3 + 3 इस लेफ्ट में कितना हो गया? -3। तो -3 इस तरह से इसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यदि ये बात कही जाए कि मॉड ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है? इसको समझो। ऐसा एक्स, मैं हिंदी में लिख देता हूं, ऐसा एक्स जिसका जिसका वन से डिस्टेंस टू हो, तो कौन कौन सा एक्स होगा बताओ? तो सर अब डिस्टेंस कहां से देखी जाएगी? वन से देखी जाएगी। वन यदि से देखी जाए। वन है तो वन से टू डिस्टेंस यूनिट राइट वर्ड कौन सा नंबर होगा? ये आएगा सर इधर 3 आ जाएगा, और इसके इधर के कौन सा आएगा? 2 यूनिट लेफ्ट, -1 -1 आएगा। सो आप बोल सकते हो कि इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी? -1 एंड 3।3 तो बेसिकली आप इस तरह से भी कर सकते थे यहाँ पे कि मॉड ऑफ एक्स -1 इज इक्वल टू 2 है, तो मॉड एक्स -1 इज इक्वल टू, सॉरी, एग्जैक्टली x-3 एग्जैक्टली, ये मॉड नहीं लगेगा, है ना, गलती कर दी। तो एक्स -1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस माइनस -2 एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2, मतलब 3 आ गया, और एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 1 माइनस 2 इज -1। सो -2 क्या इतनी बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, यदि मैं कहूं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू -3, मॉड इक्वल टू -3, तो बताओ एक्स क्या होगा? ऐसा कोई एक्स है? नहीं सर, क्या मॉड एक्स की कभी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ना? तो इसका मतलब है कि दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब देयर इज नो रियल एक्स फॉर व्हिच मॉड एक्स इज इक्वल टू -3। -3 क्लियर हुआ? तो यस यदि मुझे इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है कि लेट्स से मॉड ऑफ 2x-5 इज इक्वल टू 4, तो मैं क्या करूंगा? पहले से सीधा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2x-5 को क्या लिख दूंगा? +-4 लिख। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस 4। तो एक बार प्लस लेंगे तो x की वैल्यू क्या क्या आएगी? देखो, प्लस लेंगे तो 9/2, 9/2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? हाँ, ये 1/2। तो ये दो सॉल्यूशन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दिस इज केस। अच्छा, अभी अभी ये सिंगल में चल रहा था। यदि मॉड इसकी बात करूं, मॉड ऑफ, अभी जो इक्वेशन थी वो सिंपल इक्वेशन थी, अब ये दो दो आ जाए, जैसे इस तरह का केस आ जाए कि मॉड एक्स -1 प्लस मॉड एक्स -2 इज इक्वल टू 5, ये इसको सॉल्व करना है लेट्स से, चलेगा? तो यदि इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, और यहाँ पे क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, ये देख लेते हैं। तो ये क्या बोला जा रहा है कि देखो, x का किससे डिस्टेंस? वन से
और x का किससे डिस्टेंस, टू से और दोनों का सम कितना है, 5 है। तो यदि डिस्टेंस फाइव। हाँ वाली थ्योरी लगाएं, पहले तो हम डिस्टेंस वाली थ्योरी लगा लेते हैं कि लेट से ये हो गया 1 और इधर हो गया 2, ठीक है। तो ऐसा x बताइए जिसका 1 से डिस्टेंस प्लस 2 से डिस्टेंस का सम 5 हो। लेट से वो x यहाँ पे है, अभी पता तो है नहीं x कहाँ पे है, यहाँ मिल सकता है, इस रेंज में यहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है। तो ये चेक करना पड़ेगा कि वो x कहाँ मिलेगा। लेफ्ट इधर इसको मैं फर्स्ट रीजन बना देता हूँ, ये सेकंड रीजन बना देता हूँ, और ये थर्ड रीजन है। तो किस रीजन में मिलेगा ये नहीं पता अभी। तो हमने कहा कि लेट्स से एक्स जो है वो थर्ड रीजन में है, तो ये क्या बोला जा रहा है कि एक्स का इससे डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, मॉड मॉड एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस वन। हाँ वन डिस्टेंस हो जाएगी। अच्छा एक्स का डिस्टेंस हाँ कितना आएगा बताओ, ये वाला डिस्टेंस एक्स माइ मॉड एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। -2, ये वाली डिस्टेंस है। तो दोनों का सम 5 है, तो यदि ये 5 है तो ये तो डिस्टेंस हमें पता है कितना है बताओ, ये डिस्टेंस तो 1 है ना, 1 है। हाँ सर 1 है। और ये नहीं पता तो मैं लेट से ये h लिख देता हूँ कि यहां से ये डिस्टेंस h है ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्या 1 + h हो जाएगी, हाँ और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, h अच्छा इज इक्वल टू 5। तो राइट 2h इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, और h इज इक्वल इक्वल टू टू। टू आ गया। तो क्या मतलब कि x बताओ कितना आएगा, यदि h 2 हाँ कितना आ जाएगा बताओ, H2 है तो सर मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल टू टू। h ये लेंथ जो है वो 2 आई है, तो x का नाम क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ तो सर एक्स माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू या तो टू या तो जीरो, या तो फोर या तो जीरो। नहीं, अभी h2 ही आया ना, हमने इसके राइट नहीं देखा। तो अभी देखो ये कहाँ पे थे, 2 पे थे ना, आप 2 यूनिट राइट वेयर चलोगे। नहीं सर, जैसे हमने जो इक्वेशन लिखा है हाँ उस वजह से आपने सब्स्टिट्यूट किया कि मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू एच, हाँ तो हम उसी इक्वेशन को वापस नहीं लिख सकते उसके टर्म्स में तुम अभी एक्स। तुम डिस्टेंस वाला कंसेप्ट नहीं लगा रहे हो, तुम पुराना वाला कंसेप्ट लगाने लगे हो, प्लस माइनस वाला लगाने लगे हो। अच्छा तो इसमें फिर डिस्टेंस वाला कंसेप्ट मैं बात कर रहा हूँ ना, ये डिस्टेंस वाला कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी हमने क्या क्या बोला था कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन क्या मतलब है, ऐसा एक्स जिसका 1 से डिस्टेंस ये, तो ये लेंथ होगी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और ये लेंथ मॉड ऑफ एक्स एक्स माइनस टू है ना। तो टू। अब ये लेंथ लेट से हमने कहा कि एच हुई, तो ये पूरी ये इतना लेंथ हो गया 1 + h, और ये लेंथ हो गई सिर्फ एच, और दोनों का 5 है, 2h इज इक्वल टू 4, तो h की वैल्यू 2 आ गई, मतलब ये लेंथ आ गई 2। तो बताओ h का हाँ नाम क्या होगा, 2 के राइट में 2 यूनिट चलने दो की यूनिट मिलेगा, अच्छा फोर मिलेगा ना, तो x इज इक्वल टू 4 हो गया राइट पर। क्या इतनी बात समझ आई, हाँ ठीक है। अच्छा एक सिचुएशन ये तो राइट वाला, ये सॉल्यूशन मिल गया राइट में, अब देखते हैं क्या लेफ्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिले, मतलब फर्स्ट रीजन में मिलेगा क्या। लेट्स सी ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और मैंने तो यहाँ पे सर जब हमने अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो फिर हमको दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करनी पड़ेंगी ना। दोनों नहीं तीनों करनी पड़ेंगी, अभी ये वाला भी करना पड़ेगा। अच्छा बीच वाला। हाँ अभी देखते हैं कि लेट से ये फर्स्ट रीजन में है एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, एक्स का 1 से डिस्टेंस ये मॉड एक्स माइनस 1 हो गया, और ये 2 से डिस्टेंस कितना हो गया ये बताओ, ये एक्स मॉड माइनस एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। माइनस 2 हो गया। तो देखो ये लेंथ तो हमें पता है कि ये लेंथ है 1 यूनिट है ना, यहां से 1 से 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट वन यूनिट है ना।
अच्छा ये लेंथ वन यूनिट है, इसको मैं एच बना देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस एच, मतलब ये वाली चीज वन प्लस एच, और प्लस क्या हो गया यहां से यहां तक, मतलब सॉरी मतलब वन प्लस एच कौन सा होगा सर, एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इज एच, तो हाँ एच प्लस प्लस एच प्लस वन, एच प्लस वन इज इक्वल टू कितना होगा फाइव हो गया, तो फाइव। अब भी कितना आ रहा है टू ही आएगा, एच टू आ गया। तो अब बताओ एक्स के, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वन के लेफ्ट में टू यूनिट लेफ्ट मिल रहा है माइनस वन, तो ये माइनस वन भी इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, दूसरा सॉल्यूशन है। ठीक है, तीसरा केस, ये अभी हमने केस नंबर टू ले लिया। तीसरा केस यदि हम देखें, थर्ड सिचुएशन देखें, जिसमें हम वन और टू के बीच में लेते हैं, वन और टू के बीच में लेते हैं, यहां पे कहीं एक्स है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, यदि देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा टू बार, वन ये वन होना, एंड कैन नेवर बी फाइव, कभी फाइव हो सकता है नहीं हो सकता है, तो क्या कभी इस रीजन में सॉल्यूशन मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा, तो कौन कौन से सॉल्यूशन हो गए सिर्फ एक्स इक्वल टू फोर एंड माइनस वन, माइनस वन हो गया। तो ये तो था डिस्टेंस मेथड, ठीक है। अच्छा यही चीज मैं एक दूसरे तरीके से सॉल्व करता हूं, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं कि मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फाइव, है ना। तो बताता हूं कि कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि एक काम करते हैं सर, इसको प्लस माइनस कर लेते हैं एक्स माइनस वन, और इसको प्लस माइनस कर देते हैं एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फाइव, तो इस तरह से उनको चार इक्वेशन मिलेंगी, चार इक्वेशन मिलेंगी, मतलब क्या मिलेगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू इक्वल टू फाइव, और टू एक्स इज इक्वल टू एट हो गया, तो एक्स इक्वल टू फोर। फिर यहाँ पे जब इस तरह से करते हैं तो अभी यहाँ पे हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी, टेस्टिंग क्यों, क्योंकि आपने ऐसे ही कर दिया ना प्लस माइनस कुछ भी ले लिया, तो अब करो कि फोर इसे सेटिस्फाई कर रहा है क्या। देखो फोर माइनस वन कितना आ जाएगा, ये थ्री, थ्री प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है फोर माइनस टू, मतलब टू टू, तो ये कितना हो गया फाइव, तो ये सही है, मतलब ये सॉल्यूशन करेक्ट है। अभी हमने क्या किया था, पहले केस में दोनों पॉजिटिव ले लिए थे, अब क्या ले लेंगे दोनों नेगेटिव ले लें, तो कितना आ जाएगा ये माइनस ऑफ, ऐड करेंगे तो ये आएगा ना टू एक्स इज इक्वल टू फाइव, फाइव नहीं सॉरी फाइव नहीं आएगा ये एट आएगा, टू एक्स इक्वल टू एट आ रहा था ना, कुछ गड़बड़ कर लिया हम लोगों ने, यस वी डिड रॉन्ग, कहाँ दिया यार माइनस इक्वल टू टू, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फाइव हो गया, तो ये माइनस टू एक्स इक्वल टू टू, थ्री माइनस फाइव माइनस टू आएगा ना, चेक करो सर प्लस हो जाएगा, थ्री माइनस फाइव माइनस टू आएगा, चेक करो थ्री माइनस एक सेकंड, माइनस ये माइनस इधर चला जाएगा ना माइनस फाइव के पास, अच्छा हाँ 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 एक्स की वैल्यू माइनस वन आ रही है। अब ये भी चेक करना पड़ेगा क्या माइनस वन सॉल्यूशन है क्या, तो माइनस वन टेस्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये टू, हाँ टू, और ये माइनस थ्री का मॉड थ्री, तो टू प्लस थ्री क्या ये भी सही है, हाँ सर इसकी भी टेस्टिंग, ये भी ठीक हो गया। अभी तीसरा करना पड़ेगा, थर्ड, थर्ड करना पड़ेगा, इसको प्लस ले लेते हैं इसको माइनस ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा माइनस वन, और ये माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फाइव, तो एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फाइव, ये कट गया,
और 1 इज इक्वल टू 5 पॉसिबल है क्या? नहीं नॉट पॉसिबल, नहीं नॉट पॉसिबल, सो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस रेंज में, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा एक और फोर्थ करना है, अब इसमें क्या करेंगे, इस वाले को, पहले वाले को नेगेटिव, दूसरे वाले को पॉजिटिव ले लें, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फाइव, तो कितना माइनस प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फाइव, अब ये कट हो गया, तो माइनस वन इज इक्वल टू फाइव, इक्वल टू फाइव, ये भी नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, तो ये नो सॉल्यूशन हो गया। तो बस ये दो सॉल्यूशन मिले, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें अननेसेसरी बहुत सारी इक्वेशन बन रही है, मतलब चार बन रही है, यदि ये तीन होते तो आठ बनती, जैसे तीन होते तो फिर आठ बनती इक्वेशन, इतना सारा तो नहीं बना सकते ना, तो फिर क्या करते हैं हम एक और कंसेप्ट लाते हैं, और वही सही तरीका है सॉल्व करने का, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है नेक्स्ट मेथड है, कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फाइव है, यही से। तो इसके लिए पहले हमें बेसिक डेफिनेशन समझनी पड़ेगी, डेफिनेशन मॉड एक्स की बेसिक डेफिनेशन पे वर्क करना पड़ेगा, जैसे मॉड एक्स था क्या बताओ, मॉड एक्स क्या था, कि ये होगा x, x if x greater than 0 greater than equal to equal to 0 minus x if if x is x less than 0, ऐसे सिचुएशन है, ठीक है। तो मॉड x माइनस वन का वैल्यू कैसा आएगा, ये इसको डिफाइन करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी x माइनस वन इफ x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब ये जो चीज है वो जीरो या उससे बड़ी हो, और ये माइनस लग के आएगी x माइनस वन इफ x माइनस वन लेस देन जीरो, समझा। देखो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी x थी ना, तो उस पे वर्क करता है, ये क्वांटिटी लेस देन जीरो, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये क्वांटिटी, तो हम कहें कि भाई ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो माइनस लगेगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो एज इट इज आ जाएगा, ये सिंपलीफाई करें तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको सिंपलीफाई करें तो x लेस देन 1 आ जाएगा। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि पहले ये देख रहे हैं कि x माइनस 1, x माइनस 1 की वैल्यू 0 कब हो रही है, तो x माइनस 1 की वैल्यू 0 1 पे हो रही है, वो नंबर लाइन पे 1 पे 1 पॉइंट प्लॉट करें x एक्सिस पे, है ना, तो ये 1 क्या करेगा, इस x एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक पार्ट 1 इधर हो गया और ये पार्ट 2 हो गया, तो इसको हम कह देंगे x लेस देन 1 वाला रीजन है, और ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब देखो यहाँ पे कि मॉड x माइनस 1 जो दिख रहा है कैसा दिखेगा, यदि 1 है, 1 के राइट में देखें, 1 के राइट में देखें, 1 के राइट में देखें, तो ये क्या है x माइनस, और 1 के लेफ्ट में देखें, 1 के लेफ्ट में देखें, तो ये क्या है माइनस लग के माइनस x माइनस 1, तो इतनी बात समझ आई, ठीक है। अच्छा अब यदि हम कहें कि मॉड ऑफ 2x माइनस 3 के बारे में बात करना है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, तो पहले 2x माइनस 3 जीरो किस पे हो रहा है, तो 3 बाय 2, वो 3 बाय 2 होगा सर, 3 बाय 2 प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा 3 बाय 2 प्लॉट कर लेंगे, फिर देखेंगे इसके राइट में, हाँ तो उसमें सर 2x माइनस 3 आएगा उधर, हाँ अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा, ये 2x माइनस 3 और इधर क्या आ जाएगा माइनस माइनस ऑफ 2x माइनस 3, ठीक है, समझा क्या ये सिचुएशन। अच्छा इस एक और टेस्टिंग है, यदि मैं कहता कि इसकी जगह कुछ ऐसा लिखा होता है 3 माइनस 2x लिखा होता है, तो क्या करते हैं, तो 3 माइनस 2x होता तो सर
एक्स तो 3/2 ही आता, मतलब सेंट्रल पॉइंट पर. हाँ, और राइट साइड पे बस 3 - 2x और लेफ्ट साइड पे -3 - 2. मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स सेम होता है. दिस इज सेम जैसे मॉड ऑफ 2 और मॉड ऑफ -2 2 ही आएगा ना. हाँ. तो यदि अच्छा, सेम होता है तो ये भी तो सेम ही होगा, बदलेगा. हाँ. तो फिर नहीं, ये चीज ऐसी ही रहेगी, इस पे कोई बदलाव नहीं होगा. हाँ. तो कैसे करें, मतलब तो इसकी मतलब यदि आपको डायरेक्ट लिखना है तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है मैं आपको बता देता हूं कि वन जैसे है यहाँ पे, वन के राइट में कोई पॉइंट ले लीजिए, लेट्स से 2 ले लिया, लिया ना. यस सर. तो 2 यदि इसमें पुट करें तो कितना आएगा, 2 - 1 मतलब 1. 2 - 1 तो 1 आ रहा है ना. यस सर. तो ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव. हाँ सर. यदि सर मैं 1 सेकंड स्टॉप कर रही हूँ, मुझे थोड़ा लैग हो रहा है. यस सर. ओके. यस सर. आया ना. हाँ सर. अभी देखो यदि 2 पुट किया तो ये कितना हो जाएगा, 1 ना, पॉजिटिव आ रहा है. जी सर. अच्छा ये पॉजिटिव आ रहा है, यदि ये पॉजिटिव आ रहा है तो राइट साइड में ये पॉजिटिव प्लस लग के खुलेगा, हाँ सर. और 1 के लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लें, लेट से ओरिजिन. हाँ सर. तो ओरिजिन 2 - नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, ये हाँ. इसमें माइनस लगे. यस सर. समझा नहीं समझा. हाँ सर. अब जैसे यहाँ पे 3/2 के राइट में, हाँ. 3/2 के राइट में कोई नंबर ले लेते हैं, तो 3/2 के राइट में एक नंबर है जैसे 2 ले लिया, हाँ. तो इसमें पुट करें तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव. पॉजिटिव आ रहा है ना, 4 - 3 पॉजिटिव. तो ये एज इट इज खुलेगा एज ही. ओके. इसके हाँ अंदर एक नंबर ले लें 0, तो 0 पे ये नेगेटिव आ रहा है तो ये माइनस लग जाएगा. हाँ ठीक है. अब इसके बारे में बात करते हैं कि यदि इसके इधर 2 पुट कर दिया तो ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना. नेगेटिव आएगा. हाँ. इधर क्या कैसे खुलेगा, ये माइनस ऑफ 3 - 2. -2. देखो ये वही आ गया कि नहीं आ गया. वही बात है. हाँ. इसके इधर लेफ्ट में 0 रखें तो 0 पे ये कैसा पॉजिटिव आ रहा था, ये एज इट इज खुलेगा -2x. देखो ये वही आ गया, चेंज नहीं हुआ. सो अब अपने पास थोड़े कंसेप्ट हैं जिनके बिहाव पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 5 है. तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे. ठीक है, नंबर लाइन बना दिया. बेसिकली मुझे सॉल्व करना है, ये 1 बना दिया और ये 2 बना दिया, चलेगा. जब ये इंडिविजुअल 0 हो रहे हैं, ठीक है. इसने क्या किया, इस नंबर लाइन मतलब एक्स को 3 रीजन्स में कट बांट स्प्लिट कर दिया, 1, 2 and 3 रीजन्स. ठीक है, अब क्या करेंगे कि हर एक रीजन में इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. रीजन में, इस रीजन में तो पता, पहला रीजन में क्या ले लूं, क्या एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 ले लूं. तो यहाँ पे इसके पहले कोई नंबर 0 ले लें, 0 पे ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव. नेगेटिव आएगा. कैसे खुलेगा बताओ, मॉड वन के लेफ्ट. सॉरी. हाँ सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. हाँ. वन के लेफ्ट में 0 लिया. हाँ. नेगेटिव आ रही है वैल्यू, तो ये हाँ सर. कैसे खुलेगा लेफ्ट में इधर, सर माइनस ऑफ एक्स माइनस वन. माइनस ऑफ एक्स माइनस वन. अच्छा इसमें भी पुट करें 0 सेम तो कितना आ रहा है, नेगेटिव. वो भी नेगेटिव ही है. इसमें भी माइनस लग के खुलेगा, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू माइनस टू इक्वल टू 5. ठीक है, तो अभी ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x - 3 इज इक्वल टू -5. तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 x इक्वल टू माइनस. क्या ये -1 इस रीजन में है. हाँ. है ना, तो ये सॉल्यूशन हो गया. क्लियर हुआ. हाँ सर.
यहाँ पे केस नंबर टू ले लिया, केस नंबर टू। केस नंबर टू क्या है बताओ, कि देखो वन तो इसमें इंक्लूड कर चुके थे, तो आगे इंक्लूड करेंगे क्या यहाँ? नहीं हाँ, मैं उसमें नहीं करेंगी, बीच वाले में करेंगी। हो चुका ना ये इंक्लूड। अब यहाँ पे टू टू पे चॉइस है, चाहे आप इंक्लूड करो या ना करो। लेट से मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो ये केस रीजन ले लिया, मतलब ये रीजन ले लिया। अब इस रीजन में इसको सॉल्व करना है, तो बताओ वन और टू के बीच में कोई नंबर ले लिया, जैसे 1.5, 1.5 पे ये कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है। हाँ सर, यही इक्वेशन कैसे दिखेगी इधर? इक्वेशन इधर दिखेगी, एक सेकेंड, 1.5 पे तो पॉजिटिव है, तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन, और ये कैसा दिख, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, माइनस ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फाइव। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वन इज इक्वल टू फाइव। हाँ, तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, दिस इंप्लाई एक्स बिलोंग्स टू फाइव, मतलब इस रीजन में कोई सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, ये केस नंबर थ्री ले लेते हैं, केस नंबर थ्री। अब इसमें देखो टू नहीं लिया था, तो अभी क्या करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू टू लेना पड़ेगा, यहाँ इक्वालिटी आएगी, क्योंकि यहाँ टू मतलब नंबर लाइन पे कोई भी ऐसा पॉइंट छूटना नहीं चाहिए जिस पे हमने सॉल्यूशन नहीं चेक किया हो। x के लिए हमें सॉल्यूशन चेक करना है। अब देखो हम x ग्रेटर देन इक्वल टू टू ले रहे हैं, तो इसके इधर कोई पॉइंट ले लें जैसे थ्री, तो कितना आएगा यहाँ, ये पॉजिटिव, सो वो x माइनस वन आएगा, और दूसरा वाला भी पॉजिटिव ही है, x माइनस वन प्लस x माइनस टू इज माइनस टू इज इक्वल टू फाइव। तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो ये सॉल्यूशन है क्या, देखो ये सीरीज है कि नहीं, 2 से बड़ा है, तो ये दो सॉल्यूशन। तो बात समझ, सॉल्व करने का तरीका समझ आया क्या, कैसे करेंगे? यस सर। अभी तुम सॉल्व करो, एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, यदि समझ आया तो सॉल्व। सॉल्व 2 टाइम्स मॉड एक्स माइनस 3 माइनस मॉड ऑफ 3x मॉड ऑफ 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। समझा कि नहीं समझा? तो समझा, तो जब हम जब वो मल्टीप्लाइड होता है किसी नंबर के साथ, तो वो फर्क नहीं पड़ने वाला है, फर्क नहीं पड़ने वाला, मॉड वो टू टाइम्स हो जाएगा ना ऐसे ही। हाँ, ये कैसे खुलेगा, क्लियर हुआ? हाँ सर। अच्छा, इसी पे कर सकते हो क्या, इसी पे सॉल्व कर सकते हो क्या? हाँ सर। तो इसको ऐसे ले सकते हैं ना सर? क्या हुआ? हाँ ऐसे, लेकिन ये फाइव नहीं आएगा, सोचो कहाँ पे जीरो हो रहा है, सेकंड वाला पॉइंट। ओ एक सेकंड, फाइव बाय टू, अच्छा अच्छा तो उसको 2.5 लो कि सर 5/2 है? 5/2 लिखो, 5/2 लिखो, 5/2 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है? 3 बड़ा होता है ना। एक सेकंड, इरेज कर सकते हो 3।
सेकंड रीजन बना दिया, ये थर्ड बना दिया। ओके केस वन। x less than 5 by 2, ठीक है। तो एक सेकंड, x less than 5 by 2 हो गया, गुड। तो ये नेगेटिव आएगा पहला वाला, तो माइनस 2 टाइम्स x minus 3, वेरी गुड। एंड एक सेकंड, वेट। जैसे yes, टू से लेफ्ट में जीरो लिया था, सेकंड वाला ये वाली क्वांटिटी ये नेगेटिव आ रही ना? अच्छा हाँ, छोटा है ना, सॉरी मैंने 5 by 2 सब्स्टिट्यूट, नेगेटिव आ रही ना इधर, तो ये माइनस लाइक प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ सॉरी, हाँ अच्छा, इसका क्या मतलब है? वेट, बहुत ही इफेक्ट बन गया है कि यहाँ पे 1 इक्वल टू 1, ये तो ट्रू ऑलवेज है ना? हाँ सर, ट्रू ऑलवेज। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो केस में आपने जो सॉल्व कर रहे थे यही पूरा सॉल्यूशन हो गया, मतलब इस रेंज में कोई भी एक्स ले लो ये हमेशा 1 के इक्वल ही रहेगा। अच्छा समझे? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x belongs to क्या हो जाएगा, माइनस इनफिनिटी से लेके 5 by 2 तक, ये ओपन और यहाँ पे भी ओपन, क्योंकि क्लोज ओपन, सॉरी सर, लेस देन लिया, लेस देन, यदि आप यहाँ इक्वालिटी लेते तो ये क्लोज हो जाता, तो पहला सॉल्यूशन मिल। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते, केस नंबर 2। तो इस इतने में ही कंप्लीट करना है, यही है बस बोर्ड। हाँ, एक सेकंड, मैं थोड़ा छोटा लिख के, हाँ गुड है। केस नंबर 2। तो इसमें से बीच में कुछ लेंगे इसका, वेट, अभी केस तुमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, बता क्यों गड़बड़, क्या गड़बड़ किया है, क्या गड़बड़, एक सेकंड, मतलब थोड़ी गलती की है, बताओ क्या। इक्वालिटी आएगा ना 5 by 2 के साथ, यहाँ पे इनइक्वालिटी ली थी तो यहाँ पे इक्वालिटी लेना है। अब सॉल्व करो। तो आएगा, वेरी गुड, ये भी पॉजिटिव, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड, करो करते जाओ। 6 इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू 5 बाई 2, क्या ये सॉल्यूशन हो जाएगा? हाँ सर, आ सकता है, हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी है, तो ये भी सॉल्यूशन हो गया। इसको मैं कर दूँ इस पे,
ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया, मतलब सॉल्यूशन नंबर टू हो गया, लाइक सॉल्यूशन है ये भी है। नाउ सॉल्व अनदर पार्ट, केस नंबर थ्री सॉल्व करो। हाँ, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या? नॉट जी सर। नॉट पॉसिबल, वेरी गुड, नॉट पॉसिबल। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? मैं लिख दूँ यहाँ पे आंसर, फाइनल आंसर। तो x belongs to कहाँ से कहाँ तक? देखो minus infinity 5 by 2, 5 by 2, हाँ वो ही है सर। ऐसा जाएगा minus infinity से 5 by 2, और 5 by 2 पे क्या हो जाएगा? क्लोज, ये आंसर आ जाएगा। समझा क्या? हाँ सर। दिस इज द आंसर।